नमस्कार दोस्तों, सरकारी चौक ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से GDS ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर निकाली गई बंपर भर्ती की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो टोटल वैकेंसीज यहां पर रखी गई है, ये 12,828 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगे। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आप सभी के लिए यहां पर रखी गई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में, तो देखिए यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो आपका पर्टिकुलर रहेगा। एंड इसी के साथ में डिटेल के बारे में बात कर ली, तो आपका जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा ये इंडिया पोस्ट ऑफिस रहेगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपकी वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में बात कर लें तो ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लें तो 12,828 वैकेंसीज रखी गई हैं। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। एंड जॉब कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब यहां पर रहने वाली है। इसी के साथ में जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये 22 मई 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इजीली अपने मोबाइल के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं। एंड अप्लाई ऑनलाइन की जो लास्ट डेट यहां पर रखी गई है 11 जून 2023 रखी गई है। सो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म 11 जून 2023 से पहले सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। सो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ में क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो मेरिट बेस्ड आपका यहां पर क्वालिफिकेशन रहेगा, मतलब कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी मेरिट बेस्ड रहेगा, और 10th क्लास की आपकी परसेंटेज यहां पर देखी जाएगी। सो जो भी कैंडिडेट अपना 10th क्लास पास कर चुके हैं वो कैंडिडेट यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हो। दोस्तों सैलरी आपको यहां पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी यहां पर मिलने वाली है। एंड जॉब लोकेशन आपकी 23 सर्किल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि जहां से भी आप अप्लाई करते हैं वहां पर आपको जो है जॉब प्रोवाइड की जाएगी। टोटल 23 सर्किल्स रहेंगे और 23 सर्किल से आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट GDS के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपका एक्टिव कर दिया गया है, सो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 22 मई 2023 से, एंड लास्ट डेट आपकी 11 जून 2023 रखी गई है। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर कोई भी गलती हो चुकी है तो आपको यहां पर करेक्शन का टाइम भी दिया जाएगा। सो एडिट एंड करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा वो आपका 12 जून 2023 से 14 जून 2023 रहेगा, मतलब कि आपको यहां पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का टाइम भी दिया जाएगा। इसी के साथ में आप यहां से वैकेंसी चेक कर सकते हैं कि इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपको कौन से स्टेट से कितनी वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। एंड इसी के साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात कर लें तो देखिये, जो भी कैंडिडेट अपना सेकेंडरी स्कूल पास कर चुका है, जिन्होंने 10th क्लास पास कर लिया है, वो कैंडिडेट यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है मेरिट बेस्ड रहेगा, यहां पर आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर रहने वाला है। सैलरी के बारे में बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर पद के लिए आपको 12,000 से 29,380 रुपए तक सैलरी मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी खासी सैलरी आपके यहां पर बन जाती है। एंड एबीपीएम पोस्ट के लिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पद के लिए 10,000 से 24,470 रुपए तक आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली है। यहां पर एबीपीएम पोस्ट के लिए भी आपको काफी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। एप्लीकेशन फीस में जनरल कैंडिडेट को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी,
साथ ही में अगर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।